हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। हमारे एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे अनुसार हमारे मुस्लिम भाई बहनों में से लगभग 90 या 95% से अधिक लोग ना तो कभी बाइबल पढ़े होंगे और ना ही वे लोग कभी बाइबल पढ़ने की कोशिश करते होंगे। लेकिन जब कभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों की मुलाकात किसी क्रिश्चियन के साथ होता है, तब मुस्लिम भाई बहन ये अवश्य कहते हैं कि बेशक बाइबल अल्लाह के द्वारा भेजी गई पुस्तक है, लेकिन उसमें लोगों के द्वारा मिलावट की गई है, उसमें फेरबदल किया गया है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वे लोग ये कैसे सुनिश्चित कर लेते हैं कि बाइबल करप्टेड है, उसमें मिलावट की गई है। देखिए, जब तक आप किसी चीज को बारीकी से देखेंगे नहीं, उसे जांचेंगे और परखेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज मिलावटी है या फिर इस चीज में कोई गड़बड़ी है। उसी तरह जब आपने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे पता कर सकते हैं कि बाइबल में कौन सी जगह और बाइबल की किन आयतों में मिलावट की गई है। फिर हमारे मुस्लिम भाई बहन सवाल इस प्रकार से भी उठाते हैं कि ना तो बाइबल में और ना ही कुरान में कभी भी यीशु ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। वे ऐसे ही कुछ उलझने पैदा करने वाली सवाल करते हैं अपने विश्वास को सही ठहराने के लिए। परंतु हम सब जानते हैं कि भले ही यीशु ने बाइबल में कहीं भी अपने आप को सीधे तौर पर खुदा नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से, उनके कामों से और बाइबल की कई सारी ऐसी आयतों से पूरी तरह साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर थे और अब भी जीवित हैं और आगे भी रहेंगे। वेल, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम से बाहर निकलकर मसीहत में आए हुए एक युवक और एक मुस्लिम लड़की के बीच इन्हीं सब विषयों पर हुई वार्तालाप का वीडियो दिखाने वाले हैं, जिससे कि हमारे उन मुस्लिम भाई बहन जिन्होंने बाइबल कभी खोला नहीं और पढ़ा नहीं पर ये समझते हैं कि बाइबल करप्टेड है, वे लोग बाइबल और उसके परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। साथ ही वे लोग ये भी समझ सके कि क्यों उन्हें इस्लामिक विद्वानों के द्वारा बाइबल पढ़ने से रोका जाता है और उनसे दूर रहने को कहा जाता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ कई सारे लोग मसीहत की सच्चाई को जानें और आशीष पाएं। तो चलिए अब हम पहले उस वीडियो को देखते हैं। पहले मैम, मैं ये यूसुफ अली की ट्रांसलेशन में से कुरान में से आपको एक आयत पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा इसके आपको क्या, इसके बारे में क्या। ओके, ये कुरान चैप्टर 6 है, वर्स 34 है। मैं पढ़ूं आपके लिए? आप पढ़िए। रिजेक्टेड वर द अपोस्टल्स बिफोर दी विद पेशेंस एंड कॉन्स्टेंसी, दे बोर देयर रिजेक्शन एंड देयर रॉन्ग्स अंटिल आवर एड डिड रीच देम, देयर इज नन दैट कैन ऑल्टर द वर्ड्स ऑफ गॉड। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह के कलाम को तब्दील कर सकता है। हम कुरान की आयत में से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप ये लिख भी दीजिएगा और बताइएगा कि फिर आप इस आयत के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप समझती हैं कि कुरान ने तस्दीक की है कि जो भी अल्लाह का कलाम है, क्योंकि आपने खुद कहा कि इंजील मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, ठीक है, तो ये तब्दील नहीं हो सकता। तो अब आप इसके बारे में क्या बोलेंगी, इंजील मुकद्दस के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग हैं जो हम सबको बात कर सकते हैं, जब अल्लाह ने खुद कह दिया कि मेरी किताबों को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में कोई तब्दील नहीं कर सकता, ये सुनी से नहीं बात है। तो आप क्या समझते हैं, अगर तब्दीली होती भी है तो अल्लाह की किताब में होती है या क्रिश्चियन की किताब में होती है? क्रिश्चियन की किताब में हो सकती है, अल्लाह की किताब में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो इंजील जो है वो अल्लाह की किताब है या क्रिश्चियन की किताब है? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब है, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अल्लाह की किताब तब्दील नहीं हो सकती, इंजील मुकद्दस तब्दील नहीं हो सकती, इनडायरेक्टली यही बात होगी। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि नहीं हो सकती, क्योंकि जब अल्लाह ने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। जी जी। और ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो आपने खुद भी पढ़ी हैं, तो मैं बताना नहीं चाह रहा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंजील मुकद्दस अल्लाह की किताब है, ठीक है, इतने सलाह से पता चल गया। तो अगर इंजील मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, तो इसका मतलब वो सही है, मगर इंजील मुकद्दस में ये नहीं लिखा हुआ कि कुरान अल्लाह की किताब है, इस बात को तो आप मानती हैं, क्योंकि वो कुरान मजीद बाद में आया। ये आप पढ़ेंगे? पर्सनली बाइबल नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और ना ही मैंने बाइबल या इंजील को सुना है, तो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको कैसे एग्री करूँ कि हाँ ये आपसे क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्री नहीं कर सकती कि ये सही है या गलत। अच्छा, मैं आपसे अगर बोलूँ कि अल्लाह का कलाम जो है वो इंजील मुकद्दस है, और मैं आपसे ये बोलूँ कि यू नो कुरान नहीं है, तो ये ज़ाहिर है गलत बात हो जाएगी, मगर मुझे ऑब्वियसली मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या समझती हैं कि इन दोनों में से जिन पे कलाम आया है, फॉर एग्जांपल आप बोलती हैं कि हज़रत मोहम्मद पर कुरान मजीद आया है, तो ये किताब उनके ऊपर जी
हजरत ईसा पर जो आप बोलते हैं जीरे मुकद्दस आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस मसीही भाई ने उस मुस्लिम लड़की को कुरान के ही आयतों को दिखाकर बताते हैं कि जब कुरान में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता, फिर हमारे मुस्लिम भाई बहन ये क्यों कहते हैं कि बाइबल बदल दी गई है, जबकि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाइबल, जिसे इंजील मुकद्दस भी कहा जाता है, वो अल्लाह के द्वारा ही भेजी गई किताब है। फिर आगे वो मसीही भाई कहते हैं कि बाइबल अल्लाह की किताब है, लेकिन बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, क्योंकि कुरान तो बाइबल के बाद आया है। इस पर वो मुस्लिम बहन कहती हैं कि मुझे इस बारे में उतना ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने ना तो कभी बाइबल पढ़ी है और ना ही कभी बाइबल की आयतों को सुना है। दोस्तों, हमारे मुस्लिम भाई बहनों में यही मसला रहा है, वे डर के कारण बाइबल नहीं पढ़ते और बाइबल के बारे में उन्हें जिस प्रकार की बातें बताई और सिखाई जाती है उन्हीं को वे लोग सच मान बैठते हैं। बाइबल के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, फिर भी उनका कहना यही है कि बाइबल में मिलावट की गई है, बाइबल बदल दी गई है। आप ये बताएं कि मोहम्मद और ईसा में बड़ा कौन है? सवाल है जैसे नॉर्मल सी चीज़ में जानता हूँ इस्लाम की पैदाइश तो पहले हुई है ना जी जी, तो सबसे बड़े तो वे हैं। लेकिन जहाँ इस्लाम के बारे में बात की जाती है, जहाँ किताब की बात की जाती है, तो कुरान से है हजरत मोहम्मद से उतरा और इस्लाम हजरत मोहम्मद से फैला। सही। तो मेरे नज़र में और सारे मुसलमानों के नज़र में हजरत मोहम्मद ही बड़े हैं। सही। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो ही इस्लाम को फैलाया उन्होंने की वजह से हम लोग सब मुसलमान हैं। सही सही, चलें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं छोटे सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि अभी इस टाइम जिंदा कौन है, हजरत मोहम्मद या हजरत ईसा? तो आप क्या? हजरत ईसा की उनकी उम्र क्या है? आपको नहीं पता, क्योंकि वो जिंदा हैं और मेरा ख्याल है कि अब तक जिंदा ही रहेंगे। ठीक है, तो हम ये भी आया हुआ है, जी वो ही आएंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से आखिरी नबी भी वही होगा, क्योंकि वो आएंगे, तो हम ये भी नहीं बोल सकते आखिरी नबी मोहम्मद। आप समझ रहे हैं बात? आखिरी नबी दुनिया के लिए बोला गया है ना, तो वो दुनिया में ही आएंगे। दुनिया जब खत्म होएगी तब वो आएंगे सर। आखिरी नबी वही थे, उसके बाद तो अल्लाह ताला ने कोई नबी नहीं पैदा किया ना। जी जी, आखिरी नबी तो हजरत मोहम्मद ही है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं इस बात पे आपसे बहस नहीं करता, मगर आप ये तो जानती हैं कि आखिरी नबी जो है अभी वो आखिरी नहीं कह सकते, वो पहले हैं, वो आएंगे। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है, मगर जीस आएंगे अभी इस बात पर। डेथ नहीं हुई, वो जिंदा हैं और वो वापस आएंगे, क्योंकि उनका जिक्र है, जो जिक्र है मैंने पहले भी आपको बताया वो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं हमेशा आपको दिखाऊँ कि आप कहीं पर भी हजरत ईसा को आप देखेंगे नहीं, कि जहाँ पर उनको गुनाहगार कहा गया कुरान में, उनमें कहा क्यों नहीं कहा गया कुरान में कि ये गुनाहगार हैं, और मोहम्मद के बारे में क्यों कहा गया कि वो गुनाहगार हैं? हजरत मोहम्मद तो गुनाहगार ही हैं। कहा कि वो गुनाहगार हैं? मैं अगर आपको नहीं 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 नाराज मत होइए, मैं आपको आयत कैसे कैसे कर रहे हैं, मैं आपको कुरान में आयत दिखाऊंगा, फिर आप देख लीजिएगा कि हाँ, उन्होंने वो आयत है मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि गुनाहगार ना बनो, ये गुनाहगार है नहीं। वो उन्होंने कहीं जगह पर अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगी है और अल्लाह ने उनको खुद कहा है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह ताला भी उनसे कह रहे हैं कि मोहम्मद तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। और अगर हम इसी आयत को हम देखें, एक और आयत है बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है कि हजरत ईसा जो है वो बहुत पाक इंसान है, पाक है, और पाक का मतलब ये कि वो गुनाह नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा देता हूँ कुरान की आयत, एक कुरान चैप्टर 48 वर्स 2 में आपके आगे ये आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। दैट गॉड मे फॉरगिव दी दाय फॉल्ट्स ऑफ द पास्ट एंड दोज टू फॉलो फुलफिल हिज फेवर टू दी एंड गाइड दी ऑन द स्ट्रेट वे। इसमें देखें साफ पता चल रहा है कि हजरत मोहम्मद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी, इसमें देखें साफ पता चल रहा है कि हजरत मोहम्मद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, और इसमें खुदा खुद बोल रहा है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक आयत दिखाऊंगा, बहुत आसान है, चैप्टर 19 वर्स 19 19। ठीक है, इसमें आप देखने क्या लिखा हुआ, अच्छा ये चैप्टर 19 वर्स 19 में आपके आगे पढ़ रहा हूँ। ही सेड नाउ आई एम ऑन द मैसेंजर फ्रॉम द लॉर्ड टू दी द गिफ्ट ऑफ अ होली सन। होली सन, होली सन का मतलब है पाक बेटा, पाक बेटा मिल रहा है। ये अगर आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ें कि आप ये ना बोले, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर बात हो रही है हजरत ईसा की, ठीक है, और ये हजरत मरियम को बोला जा रहा है। ठीक है, तो होली सन का मतलब क्या है, कि होली का मतलब आपको पता ही होगा, तो पाक
का मतलब यह है कि पाक तो कौन है, आप कौन, किसकी जात पाक हो सकती है? खुदा की, सिर्फ खुदा की जात पाक है। तो आप समझते हैं कि अगर ये इंसान पाक है तो हो सकता है खुदा से कोई लिंक हो सकता है? लिंक तो है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको बीवी मरियम की जिस तरह से उनके पास से पैदा किया है, तो वो पाक है, ठीक है। और वो इस दुनिया की नहीं है, इन इंसानों मतलब एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इंसान का, जब शादी होती है सारा तो फिर एक इंसान पैदा होता है, मगर इनको इन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। कि यहाँ पर हमने साफ पढ़ा एक पाक है इंसान, और आपको आप पूरे कुरान में किसी भी हिस्ट्री में आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको पाक कहा गया है, अल्लाह ने किसी को पाक नहीं कहा। तो ये पाक इंसान कहा गया है इसलिए कि ये बेशक इंसान ये गुनाह से पाक है, और ये इंसान है ही नहीं जिसको मैं समझता हूँ, ये एक इंसान के रूप में आया, एक ऐसी रूह जो कि खुदा की है। अगर आपसे पूछो खुदा क्या है तो आप क्या बोलेंगे? खुदा एक रूह है। तो ये रूह अगर आप मुझे दिखा सकते हैं कुरान में कहाँ लिखा है कि खुदा एक रूह है आपके सामने? कुरान में कुरान में नहीं है। तो आप फिर इस बात को क्यों? अच्छा, खुदा रूह आप समझते हैं, मगर ये आप अगर मैं किसी आप शेख को बोले या किसी इस्लामिक स्कॉलर को बोले तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। खुदा ने जब इंसान बनाए ना, दोनों के दिमाग को खुद से बनाए, तो हर किसी की सोच की जो होती है वो खुद ही यहाँ तक होती है ना। मैं जिस तरह से सोचती हूँ आप ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है? तो मेरे लिहाज से जो मैं सोचती हूँ मैंने आपको बताया। तो आपको लगता है कि जो खुदा की रूह है वो किसी इंसान में आ सकती है? मेरी जब मौजूद होते हैं तो ऐसा ही होता ऐसा है। हो सकता है खुदा की रूह आ सकती है, खुदा कहीं भी जा खुदा कहीं भी जा सकता है, किसी रूप में भी आ सकता है, ठीक है? ये लिखा है खुदा किसी रूप में भी आ सकता है कहीं पर। तो हो सकता है कि हजरत ईसा खुदा के रूप में आए हो सकता है ना, हुआ तो नहीं है। मैं बिल्कुल मैं इसी बात से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, लेकिन हर चीज में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। जी जी, तो आप बाइबल जरूर पढ़ें, ठीक है? मैं आपको नाम मुझे ये बताएं ना, कुरान में और बाइबल में क्या ये लिखा हुआ है कि वो खुदा के ही बेटे हैं जो आप लोग सब मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी तक इसलिए नहीं पढ़ा, मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप यहाँ से पढ़ें, ये यूहन्ना का तीसरा बाप है, उसकी आयत नंबर है 15 से पढ़िएगा। ताकि जो कोई उस पर ईमान ले आए हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया उस कदर मोहब्बत दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अच्छा, आगे भी पढ़ें। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया का सजा का हुक्म सुनाए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात बख्शे। आपको समझ आई ये बात? ठीक है, अब आपने आयत तो पढ़ी, मगर आप ये भी जान गए कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, और आयत भी आपने पढ़ी। मैं कह सकती हूँ कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा है। तो मैं आपको ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है, ये आप रखें और इसे पढ़िएगा। जी बहुत शुक्रिया, और आप इसे पढ़िएगा, और बेशक ये खुदा का कलाम है, और इससे आप जो कुछ आपको सवाल हो आप हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं, आपको दे देता हूँ मैं डिटेल्स, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें, और बेशक मैं जानता हूँ खुदा आपको हिदायत दे और आपको बता सके कि सच्चाई की राह क्या है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और कुरान की आयतों के साथ साथ कुछ बाइबल की आयतों के बारे में भी सीखने को पाया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में शायद आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा कि पहले इस मुस्लिम बहन ने कहा कि मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है और ना कभी बाइबल की आयतों को सुना है, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि यीशु मसीह खुदा के ही बेटे हैं, ये तो मैंने कभी ना तो कुरान में और ना ही बाइबल में पढ़ी है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब इस बहन ने कहा कि मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है, फिर वो ये कैसे कह सकती है कि मैंने तो कभी बाइबल में ये नहीं पढ़ा जहाँ पर लिखा हो कि यीशु मसीह खुदा के ही बेटे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मुस्लिम विद्वानों के द्वारा बाइबल और यीशु मसीह के बारे में यही बताया जाता है। आपने देखा होगा इस्लाम के मशहूर विद्वान डॉक्टर जाकिर नायक अपने स्पीच के दौरान बाइबल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है जहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक बिना कोई शुबा लिखा हुआ है, जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं,
बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ। हमारे साधारण मुस्लिम भाई बहन जिन्होंने कभी बाइबल की आयतों को नहीं पढ़ा है, वे लोग इन मुस्लिम स्कॉलर्स की बातों को सही मानकर क्रिश्चियंस के आगे उन्हीं सब बातों को कहते हैं, लेकिन वे लोग पर्सनली कभी बाइबल नहीं पढ़े होते हैं। मेरे अनुसार क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ हमारे मुस्लिम भाई बहनों का इन सब विषयों पर ऐसे ही प्रेम पूर्वक बात करना अच्छा है, विशेषकर हमारे वो मसीही भाई बहन जो इस्लाम से निकल कर मसीहत में आए हों, जिन्हें इस्लाम के बारे में और कुरान की आयतों के बारे में अच्छा ज्ञान हो, वे लोग हमारे मुस्लिम भाई बहनों के पास यीशु का संदेश लेकर जाएं और ऐसे ही प्रेम पूर्वक और नम्रता पूर्वक उनके साथ बाइबल की आयतों को साझा करें, जिससे कि उन्हें बाइबल की सच्चाई और यीशु मसीह की सच्चाई मालूम हो सके। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे काफी पसंद आया। हालांकि मुझे इस भाई का नाम तो नहीं पता, पर इनका इस्लामिक इंजीनियर नाम का एक यूट्यूब पर चैनल है, जहां पर ये भाई हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ इस्लाम और मसीहत के बारे में डिबेट्स करते हैं। तो जरूर आप उनके चैनल में जाकर इन सब विषयों पर हुए वीडियोस को आप देख सकते हैं, और इस्लाम और मसीहत में और कुरान की आयतों में और बाइबल की आयतों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में आप और गहराई से जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।